हेलो एवरीवन, शिक्षा के क्षेत्र में कोचिंग्स का एक बड़ा योगदान रहा है, जिसके माध्यम से यहाँ पर कई तरीके के एग्जाम को प्रिपरेशन में यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स के द्वारा यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। लेकिन हाल फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो देश भर में यहाँ पर कोचिंग सेंटर से कई तरीके के मामले निकल गए हैं, जिसमें झूठे और भ्रामक विज्ञापन, अच्छे नंबरों की गारंटी देने जैसे वादे, साथ ही साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स के बढ़ती हुई आत्महत्या के मामले, क्लासेस में मिलने वाली सुविधाओं की कमी जैसे कई सारे मामले सामने आए। इसको लेकर हाल ही में देखा जाए तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कोचिंग सेंटर्स को लेकर यहाँ पर नई गाइडलाइन जारी की गई है। आज हम इसी मुद्दे को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है ये जरूरी गाइडलाइंस, किस तरीके से कोचिंग सेंटर्स को यहाँ पर नई सुविधाएं देनी पड़ेंगी और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को लेकर के यहाँ पर किस तरीके की बातें शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्पष्ट की गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इस कह सकते हैं इस खबर पर नजर को समझने से पहले मुद्दा समझते हैं कि है क्या। देखिए, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो यहाँ पर डिसीजन लिया गया है, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं और ये जो जरूरी यहाँ पर आप कह सकते हैं ये गाइडलाइंस है, ये किन संदर्भों में यहाँ पर ली गई है। तो देश भर के देखा जाए तो कोचिंग के जो भी इंस्टीट्यूट यहाँ पर हैं उनको लेकर के ये जरूरी जो है गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई है। इसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों के एडमिशन नहीं दे सकेंगे यहाँ पर कोई भी कोचिंग सेंटर्स, कहने का मतलब अब यदि कोई भी छात्र 16 साल से कम उम्र का है, किसी भी क्लास में है, तो वहाँ पर उसको कोई कोचिंग यहाँ पर ज्वाइन वो नहीं कर सकता, ना ही कोचिंग वहाँ पर उन्हें अलाउ कर सकते हैं, ना ही उनका वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही कोचिंग के द्वारा जो भ्रामक विज्ञापन किए जाते हैं, लाइक कि यहाँ पर हमारे यहाँ जो पिछले टॉपर थे हमारे यहाँ से पढ़कर पास हुए हैं, इतने नंबर लेकर आए हैं, इस तरह के यहाँ पर जो माहौल एक बनाया जाता है उसको लेकर के और अच्छे नंबरों की जो गारंटी है, ऐसी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर पाबंदी लगा दी है कि यदि आप हमारी कोचिंग से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे, 100 में से 98, 99, 100 में से 100, या फिर इस तरह की जो गारंटी देगा अच्छे नंबरों से पास होंगे तो टॉपर बनेंगे, इस तरह की आपके यहाँ पर कोई भी विज्ञापन आप जारी नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही कुछ जरूरी पहलू पर भी यहाँ पर इस गाइडलाइंस में बातें की गई हैं। जैसे कि आपने देखा ये गाइडलाइंस किन छात्रों को लेकर यहाँ पे जारी की गई हैं, तो देखिए 12वीं के बाद लगातार छात्रों के यहाँ पर प्रिपरेशन अलग अलग एग्जाम की शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं 12वीं से ही बच्चे यहाँ पे लग जाते हैं, और जिसमें देखा तो जी, नीट, क्लैट जैसे यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम है, वहीं कई सारी यहाँ पे आपके प्रतियोगी परीक्षाएं भी इसमें आपको शामिल होती हैं, जैसे IAS हो गए, PCS हो गए, आपके SSC हो गए, बैंक, रेलवे इत्यादि जैसे यहाँ पे कई सारी प्रतियोगी परीक्षाएं इसमें आपको शामिल होती हैं। और इन्हीं को लेकर देखा जाए कोचिंग सेंटर्स द्वारा रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं और उन्हीं के माध्यम से यहाँ पे छात्रों का एडमिशन लिया जाता है। लेकिन हाल फिलहाल देखा जाए इस चीज़ों को लेकर के जो जरूरी सुविधाएं कोचिंग सेंटर द्वारा छात्रों को दी जानी चाहिए थी वो यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलती। इसके कारण स्टूडेंट्स के यहाँ पे देखा जाए तो आत्महत्या के बढ़ते हैं मामले, जहाँ पर उनकी या तो रैंक अच्छी नहीं आई है या फिर वो फेल हो गए हैं या उनकी तैयारी यहाँ पर अच्छी नहीं है, आर्थिक बोझ इत्यादि समस्याएं हैं। इसी तरीके से क्लासेज में जो आग लगने की घटनाएं भी कई सारे यहाँ पर केसेस में देखने को मिली, खासकर दिल्ली जैसे क्षेत्रों में यहाँ पर इस तरह घटनाएं देखने को मिली आपको। कोचिंग सेंटर्स में सुविधाओं की यहाँ पर कमी भी देखने को मिलती है और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के शिक्षा विभाग के द्वारा ये जरूरी यहाँ पर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इन जरूरी गाइडलाइंस में हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से यहाँ पर पहलू हैं जिसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, इन जरूरी गाइडलाइंस में सबसे पहला जो मुद्दा यहाँ पर जारी किया गया है कि कोई भी ट्यूटर्स यहाँ पर देखा जाए जो ग्रेजुएट से कम की योग्यता वाले नहीं होंगे, तो कम से कम जो ट्यूटर्स होंगे जो यहाँ पर छात्रों के साथ पढ़ाने वाले होंगे उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल की। दूसरा, अच्छे नंबर और रैंक की गारंटी अब यहाँ पर कोई भी कोचिंग सेंटर्स नहीं दे सकेंगे कि आप हमारे यहाँ से पढ़ेंगे तो आप 100 में से 100 पे कर आएंगे या हाईएस्ट मार्क्स लेकर आएंगे या टॉपर बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकेंगे। तीसरा, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई भी यहाँ पर अब कोचिंग सेंटर में एनरोलमेंट नहीं किया जा सकता, अर्थात एक तरीके से कहा जाए करीब 10 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं 10 से पहले यहाँ पर आप कोई कोचिंग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एनरोलमेंट सेकेंडरी स्कूल एग्जाम के बाद ही यहाँ पर आपको किए जा सकेंगे। हर कोर्स की ट्यूशन फीस फिक्स होगी, बीच में कोई नहीं बढ़ाई जाएगी और रसीद यहाँ पर देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि एडमिशन लेने के बाद बच्चे को आप कह दें कि अब आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी या एनरोलमेंट में आपको ज़्यादा है, पहले से जो फिक्स प्राइसेस हैं वहाँ पर आप पूरे कोर्स के दौरान वही रहेगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं लाया जा सकेगा। तय समय से पहले कोर्स छोड़ने के 10 दिन में बची फीस यहाँ पर वापस करनी पड़ेगी, जो बड़ी समस्या यहाँ पर रहती है कि यदि आप यहाँ पर अपनी कोर्स फीस जमा कर देते हैं और आप बीच में कोर्स छोड़ते हैं तो कोचिंग यहाँ पर कहती है कि आपकी फीस वापस नहीं की जाएगी। ये एक बड़ी समस्या कई सारे छात्रों को झेलनी पड़ती है जिनको उच्च या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न मिलने के कारण वहाँ पर ऐसा डिसीजन लेते हैं लेकिन वहाँ पर उनकी फीस वापस नहीं की जाती, जिसके कारण यहाँ पर छात्रों पर दबाव पड़ता है उसी कोचिंग को करने के लिए। इसके अलावा स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहा है तो हॉस्टल फीस और मेस फीस भी यहाँ पर आपको लौटानी पड़ेगी, ना सिर्फ यहाँ पर देखा जाए तो आप कोचिंग की, बल्कि यहाँ पर अगर आप कोचिंग संस्थान से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर इस तरह हॉस्टल या चीज़ें आप ज्वाइन कर रहे हैं उसकी फीस मिलेगी। मोरल क्राइम के दोषी फैकल्टी भी यहाँ पर आपको देखा जाए
दूसरी फैकल्टी में नहीं हो, और साथ ही साथ यहाँ पे काउंसलिंग सिस्टम बगैर कोचिंग रजिस्ट्रेशन के नहीं होगा। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं, किसी भी तरीके से कोई प्रताड़ना यहाँ पर छात्रों को ना झेलनी पड़े। अगर मान लीजिए उनको कोई समस्या यहाँ पर है, डिमोटिवेट हैं या फिर किसी तरह की मानसिक समस्या से गुजर रहे हैं, तो वहाँ पर लगातार एक काउंसलिंग का एक व्यवस्था होनी चाहिए। और कोचिंग में देखा जाए तो इस तरह की रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होना चाहिए, बिना रजिस्ट्रेशन के आप इस तरह की कोचिंग तैयार नहीं चला पाएंगे। इसके साथ काउंसलिंग सिस्टम में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के साथ साथ वेबसाइट पर फैकल्टी की योग्यता कोर्स पूरा होने की यहाँ पर अवधि भी आपको बतानी पड़ेगी। ये सारी जो जानकारी है यहाँ पर आपको देना है। इसके अलावा हॉस्टल सुविधा, फीस की पूरी जानकारी देनी है, बच्चों के मेंटल स्ट्रेस पर ध्यान रखना होगा, और अच्छे परफॉर्मेंस का यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं बनाया जाएगा। जो लगातार एक प्रेशर यहाँ पर देखा जाए, सिर्फ ये कोचिंग की भी देखा जाए, मेंटल प्रेशर यहाँ पर सिर्फ कोचिंग की तरफ से नहीं होता है, ये अभिभावकों की तरफ से भी होता है, जो बच्चों पर लगातार अच्छे मार्क्स लाने का एक प्रेशर यहाँ पर बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सिर्फ कोचिंग इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए यहाँ पर जरूरी एक पहलू है कि पेरेंट्स पर भी इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखना होगा। इसके अलावा छात्र मुश्किल या तनाव में हो तो मदद के लिए यहाँ पर एक सिस्टम बनाना होगा कि वो आसानी से हेल्प के लिए यहाँ पर पहुँच सके, रीच आउट कर सके और अपनी समस्याएं बता सके, और उसको वहाँ पर तुरंत उसका समाधान भी किया जाए। कोचिंग सेंटर में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का यहाँ पर चैनल बनाया जाएगा, और इसके लिए यहाँ पर विशेषज्ञों को आप हायर कर सकते हैं, जो इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करें, छात्रों को यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनको यहाँ पर डील करने में मदद करें। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट काउंसलर के नाम और वर्किंग टाइम की जानकारी जो है वो भी आप पेरेंट्स को दे सकते हैं। साथ ही ट्यूटर भी स्टूडेंट्स को गाइडेंस देने के लिए मेंटल हेल्थ टॉपिक्स में यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं, और गाइडलाइंस फॉलो ना करने पर कोचिंग सेंटर्स पर 1,00,000 तक के जुर्माना भी यहाँ पर लगाया जाएगा। अर्थात कि जो जरूरी यहाँ पर गाइडलाइंस जारी की गई, यदि यहाँ पर कोचिंग सेंटर इसे फॉलो अप नहीं कर रहे हैं तो वहां पर इस तरह की समस्याएं, जहां आपको 1,00,000 तक का जुर्माना है। साथ ही ज्यादा फीस वसूलने पर रजिस्ट्रेशन यहां पर कोचिंग का रद्द हो जाएगा। तो इस तरीके के जरूरी गाइडलाइंस हैं जो छात्रों को दे इस समय की कोचिंग्स के माध्यम से हो रही समस्याओं को ध्यान में रखकर एक दिशा निर्देशन के माध्यम से कोचिंग इंस्टीट्यूट को यहां पर एक रूल रेगुलेट किया जाएगा। वहीं छात्रों को बेहतर सुविधाएं और हो रही समस्याओं से उन्हें निजात दिलाकर उनके भविष्य में यहां पर एक बेहतर स्थिति प्राप्त करने में मदद की जाएगी। तो फिलहाल आज के लिए इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।